हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। आज के वीडियो में मैं बताऊंगी आपको ओरोनोको की समरी, जो कि एक शॉर्ट नॉवल है जिसको लिखा है एफ्रा बेन ने, और ये पब्लिश हुआ था ये नॉवल 1688 में। इसकी राइटर है एफ्रा बेन। ओरोनोको का फुल नेम है ओरोनोको द रॉयल स्लेव, ये इसका पूरा टाइटल है ओरोनोको द रॉयल स्लेव। ये जो स्टोरी है ये एक अफ्रीकन प्रिंस की स्टोरी के ऊपर बेस है, और जैसा कि मैंने आपको बताया ये नॉवल 1688 में पब्लिश हुआ था। इसके पब्लिशर का नाम है विलियम कैनिंग। तो ये थी ओरोनोको के बारे में बेसिक डिटेल्स, और अब मैं आपको इसके कैरेक्टर्स के बारे में बताती हूँ। ओरोनोको में सबसे मेन कैरेक्टर ओरोनोको है जो प्रोटैगनिस्ट है, अफ्रीकन प्रिंस है, इमोनिडा का हस्बैंड है, और इसका एक डुप्लीकेट नेम भी इसमें आता है जो कि है सीजर। आप ये बात ध्यान रखिएगा, ओरोनोको का एक और नाम आता है इस स्टोरी में जो ट्रेफरी ने उसको दिया था, जो है सीजर। जब ओरोनोको को एक स्लेव बना करके बेच दिया जाता है तब ट्रेफरी उसको खरीदता है और उसे एक नकली नाम डुप्लीकेट नेम सीजर देता है। सिमिलरली उसकी वाइफ इमोइंडा को भी एक स्लेव की तरह बेच दिया जाता है जिसका डुप्लीकेट नेम होता है क्लीमेन। ये आप ध्यान रखिएगा। एबोइन ओरोनोकोस फ्रेंड इन कोरामेंटाइन हेल्प ओरोनोको, ये एक एपिसोड आएगा इसमें ऑटन के बारे में, जहाँ पे इमोनिडा को किडनैप कर लेते हैं, इसको पकड़ कर रखते हैं ऑटन में, तो उस बारे में एबोन ओरोनोको की हेल्प करता है। बायम डिप्यूटी गवर्नर, सूरीनाम का ये डिप्यूटी गवर्नर है, और इसकी एक नरेटर है। नरेटर के बारे में मैं आपको बता दूं, ओरोनोको की जो नरेटर है वो एक लेडी है जिनका कोई नाम यानी कि नेमलेस है वो, और ये ओरोनोको से सूरीनाम में फर्स्ट टाइम मिलती है जब वो एज अ स्लेव होता है। ओनाहेल किंग्स वाइफ है ट्रिफ्री, ये ओरोनोको को एज अ स्लेव खरीद लेता है। बैनिस्टर, ये ओरोनोको को किल करता है। जेमन, ये एक अफ्रीकन वॉरियर है जो डिफीट किया जाता है ओरोनोको के द्वारा। तस्कन, ये ओरोनोको का फ्रेंड बनता है सूरीनाम में, और ये बाद में ओरोनोको को धोखा दे देता है। विलोली, ये लॉर्ड गवर्नर है सूरीनाम का, ये कभी भी उसको फ्री नहीं करता है। मैं आपको एक बात बता दूं, जो ट्रेफरी होता है जब ये ओरोनोको को खरीद लेता है स्लेव की तरह, तब ये प्रॉमिस करता है ओरोनोको से कि तुम्हें बाद में फ्री कर दिया जाएगा, बट एक्चुअली में उसको बाद में कभी फ्री नहीं किया जाता है क्योंकि विल होली उसको कभी भी फ्री करने के लिए आता ही नहीं है। एक है इसमें कोरामेंटाइन का किंग है, और ये ग्रैंडफादर भी है ओरोनोको। ओरोनोको की सेटिंग के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। ये जो इस स्टोरी की जो सेटिंग है वो दो जगह पर है। इसका एक शुरू का जो बिगिनिंग का जो पार्ट होता है वो कोरामेंटाइन में हमारा देखने को हमें मिलता है, जिसको अब एक्चुअल टाइम में घाना के नाम से जाना जाता है। जो हमारा दूसरा पार्ट इस स्टोरी का आएगा वो सूरीनाम में सेट है। यहाँ मैं आपको एक बात अंडरलाइन कराना चाहती हूँ, हाईलाइट कराना चाहती हूँ। UGC नेट में ओरोनोको से 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि ओरोनोको की सेटिंग कहाँ पर है, ये आया था क्वेश्चन 2017 में। तो ये इम्पोर्टेंट है, UGC नेट के अकॉर्डिंग भी ये इम्पोर्टेंट है। तो ये सूरीनाम उसका करेक्ट आंसर था। मैं आपको वो क्वेश्चन भी दिखाती हूँ, ये रहा वो क्वेश्चन जिसका आंसर है सूर्य। बेसिक डिटेल्स ओरोनोको के बारे में मैंने आपको दे दी है, अब हम बात करते हैं इसकी समरी के बारे में। ओरोनोको की स्टोरी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि इस नॉवल की जो नरेटर है, जो कि एक नेमलेस लेडी है, वो मिलती है ओरोनोको से जब ओरोनोको एज अ स्लेव सूरीनाम में होता है। तो वहां पर फर्स्ट टाइम नरेटर और ओरोनोको की मुलाकात होती है और वो दोनों फ्रेंड्स बनते हैं। ये यहाँ पर पॉइंट करने की बात है। लेकिन ओरोनोको हमेशा से ही कोई स्लेव नहीं था, ये तो एक अफ्रीकन प्रिंस था। अब स्टोरी शुरू होती है, थोड़ी सी फ्लैशबैक में जाती है कि ओरोनोको प्रिंस से स्लेव कैसे बन गया। तो इसके लिए अब हम जाते हैं स्टोरी के
फ्लैशबैक में। अब हम पहुंच जाते हैं कोरोमेंटाइन में, जिसको अब घाना के नाम से जाना जाता है, ये मैंने आपको रिसेंटली बताया है, विच इज सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है ओरोनोको, यहाँ पे उस वो पहला उसकी जो सेटिंग है वो यहाँ पर है। तो ओरोनोको कहाँ का प्रिंस है? कोरामेंटाइन का। ओरोनोको के साथ क्या होता है, उसके एक जर्नल होते हैं जो क्या करते हैं, वो ओरोनोको की जान बचाते हैं। ओरोनोको को एक तीर लगने वाला होता है, वो तीर जर्नल अपने ऊपर ले लेते हैं, वो उनकी आई में लगता है और इस तरीके से वो ओरोनोको की जान बचा लेते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, ओरोनोको एक दिन उन जर्नल के घर पे जाता है, जहां पर ओरोनोको को मिलती है जर्नल की डॉटर जिसका नाम है इमोइंडा। इमोइंडा इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो ओरोनोको इमोइंडा को देखते, ये दोनों एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। लेकिन ओरोनोको ऐसे ही शादी नहीं कर सकता, उसे परमिशन लेनी पड़ेगी द किंग ऑफ कोरामेंटाइन की। अब द किंग ऑफ कोरामेंटाइन कौन है? उसके ग्रैंडफादर है, जो कि 100 ईयर्स ओल्ड एक बुजुर्ग व्यक्ति है। तो अब जब किंग कोरामेंटाइन की जो किंग है, यानी कि ग्रैंडफादर ऑफ ओरोनोको, जब वो इमोइंडा को फर्स्ट टाइम देखते हैं, वो भी इमोइंडा को देखते ही उससे प्यार कर बैठते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि इमोइंडा तो उनकी होगी, ओरोनोको की नहीं। तो वो किंग क्या करते हैं, वो किंग इमोइंडा को ओटन में बंद कर देते हैं। ओटन क्या होता है? ओटन एक जगह होती है जहां पे सिर्फ किंग की या फिर क्वीन की परमिशन से ही जाया जाता है, और वहां पे बेसिकली किंग ही जाता है और क्वीन ही जाता है। वहां पे ऐसे कोई भी आम लोग या और राज दरबार से रिलेटेड लोग कोई नहीं जा सकते। इमोइंडा को वो वहां पर रख देता है और उसको अपनी वाइफ बनाना चाहता है, और ओरोनोको से वो उसकी शादी नहीं कराता। तो जो किंग होता है वो पूरी कोशिश करता है इमोइंडा को अपना बनाने की, लेकिन इमोइंडा उसको मना कर देती है, वो किंग को अपने आप को हाथ भी नहीं लगाने देती। अब इस बात से ओरोनोको पूरी तरह से परेशान है, वो क्या करता है, अपने एक गुड फ्रेंड एबोन की हेल्प लेता है। वो ओटन में अंदर एंटर होना चाहता है लेकिन वो एंटर नहीं हो सकता। तो अब क्या करता है ओरोनोको, वो ट्राई करता है ओनाहेल, ओनाहेल जो है किंग की वाइफ है, उनको कुछ तरीके से मना करके कन्वेंस कर करके कि काश वो, क्योंकि वो क्वीन है, उनकी परमिशन अगर मिल जाएगी तो भी ओरोनोको ऑर्डर में चला जाएगा, कि किसी तरह से किंग तो परमिशन दे नहीं रहा है, तो हो सकता है ओनाहेल जो क्वीन है वो परमिशन दे दे और ओरोनोको को एंट्री मिल जाए ऑर्डर में। और ऐसा होता भी है, ओरोनोको सक्सेसफुल होता है अपने काम में, ओनाहेल से एबोन की हेल्प से, एबोन और जो ओरोनोको होता है दोनों ओनाहेल को मनाते हैं और वो उनको परमिशन दे देती है। ओरोनोको जाता है इमोइंडा से मिलने के लिए और वो वहीं पर तय कर लेता है कि वो इमोइंडा को अपनी वाइफ बनाएगा। लेकिन यहाँ स्टोरी में ट्विस्ट आ जाता है जब किंग को पता चलता है कि ओरोनोको कुछ तो खिचड़ी पका रहा है, वो कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। अब यहाँ पे संदेह हो जाता है किंग को और उसको पता चल जाता है ओरोनोको के प्लान के बारे में कि वो ऑटन में एंट्री ले चुका है। अब किंग का अगला एक्शन क्या होता है? जब किंग ऑटन में एंटर होता है, ओरोनोको वहां से भाग जाता है लेकिन इमोइंडा नहीं भाग पाती। अब किंग क्या करता है, वो अपना बदला लेने के लिए, अपने रिवेंज के लिए, क्योंकि उसको ऐसे डिसीव किया गया है, वो क्या करता है इमोइंडा को स्लेव में बेच देता है, एज अ स्लेवरी, उसको एक स्लेव बना करके वो बेच देता है और ओरोनोको को इन्फॉर्म करता है कि मैंने तो उसको मार दिया। अब इतना सुनकर के ओरोनोको की हिम्मत टूट जाती है। उसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश कोरामेंटाइन में आते हैं अपने कुछ बिजनेस के काम, तो वो क्या करते हैं, वो ओरोनोको को पहले तो कैप्टिव बनाते हैं और उसके बाद उसको एज अ स्लेव बेच देते हैं। और ओरोनोको का जो खरीदार होता है उसका नाम होता है मिस्टर ट्रेफरी। ठीक है, आप ये नाम ध्यान रखिएगा, ओरोनोको को कौन खरीदता है, उसको खरीदते हैं ट्रेफरी। और उसको एक शिप के थ्रू ओरोनोको को कोरामेंटाइन से यहाँ पे लाया जाता है सूरिनम में। अब जो हमारी स्टोरी है वो आ जाती है, शिफ्ट हो जाती है सूरिनम में,
अब यहाँ पे ओरोनोको से प्रॉमिस किया जाता है ट्रेफरी के द्वारा कि उसको जल्द ही फ्री कर दिया जाएगा, मतलब कि उसको ज्यादा टाइम तक बंदी नहीं बनाकर रखा जाएगा। तो ओरोनोको को भी इस बात पे यकीन हो जाता है। अब यहाँ पे हमारी नेमलेस नरेटर, जिनका नाम मेंशन नहीं किया गया है, वो ओरोनोको से मिलती है और वो नरेटर खुद और ट्रेफरी ओरोनोको को ये अश्योर कराते हैं कि बहुत जल्द लॉर्ड गवर्नर विल होली यहाँ पर आएंगे सूरिनाम में और वो उसको फ्री कर देंगे। किसको? ओरोनोको को वो फ्री कर देंगे। अब यहाँ पे ओरोनोको के साथ क्या होता है, बिकॉज ही हैज अ हाई सोशल स्टेटस, सुपीरियर एजुकेशन, फिजिकल अपीयरेंस भी उसका बहुत अच्छा है, तो ओरोनोको को कभी भी ऐसे काम करने के लिए नहीं भेजा जाता, उसको कुछ अदर स्लेव्स के साथ प्लांटेशन के लिए रखा जाता है। अब एक दिन क्या होता है, एक दिन टेरिफ्री के साथ ओरोनोको ऐसे ही वॉक कर रहा होता है कि ओरोनोको की नजर पड़ती है इमोइंडा पर। इमोइंडा को भी किंग ने स्लेव बनाकर वहीं पर बेचा था जहां पर अब ओरोनोको आ चुका है। तो अब ये दोनों पुराने लवर्स यहाँ पे वापस मिलते हैं। ये दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं और जल्दी इमोइंडा बिकम्स प्रेग्नेंट। अब इस पॉइंट पे क्या होता है, ओरोनोको दिल से चाहता है कि वो जो है इस दास्ता से मुक्त हो जाए, वो उसकी वाइफ और उसका जो होने वाला बच्चा है वो इस स्लेवरी से बाहर निकल जाए। क्यों? उसको लगता था कि क्या मेरा बच्चा इस स्लेवरी में ही पैदा होगा, तो इस बात से ओरोनोको बहुत ज्यादा परेशान था। वो चाहता था कि उसको आजादी मिल जाए अपनी फैमिली के सहित। तो इस टाइम पे क्या होता है, नरेटर और टेफरी ये दोनों अश्योरेंस दिलाते हैं ओरोनोको को कि जैसे ही गवर्नर यहाँ पे आएंगे तुम्हें इस स्लेवरी से जो है रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तुम फ्री हो जाओगे इस दास्ता से। उसके बाद क्या होता है कि ट्रेफरी और जो नरेटर होते हैं वो दोनों उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, उसको थोड़ा सा इस स्लेवरी के माहौल से बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको हंटिंग, फिशिंग और हंटिंग फिशिंग जैसे कामों में बिजी रखने की कोशिश करते हैं और उसको एक छोटे से ट्रिप पर भेज देते हैं वहीं पास के किसी विलेज में। अब ओरोनोको जो है वो हंटिंग में चैंपियन है, वो दो टाइगर्स को अकेले मार सकता है, वो अकेले ही फिशिंग को मैनेज कर सकता है, वो बहुत ब्रेव है। तो इसी दौरान वो क्या करता है, उसको ओरोनोको का जो है ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं ताकि उसका ध्यान फ्री होने वाली बात पर जाए ही ना। लेकिन अब धीरे धीरे ओरोनोको समझ जाता है कि ये लोग मुझे मुक्त नहीं करेंगे, उसे ही कुछ करना पड़ेगा। वो अपने परिवार के साथ यहां से जाना चाहता है ओरोनोको। अब क्या करता है, एक दिन ओरोनोको कुछ स्लेव्स को जो गैदर करता है और प्लान बनाता है कि वो सब लोग मिलकर के भागे। अब उनका जो प्लान है वो कब होना है, वो सक्सेसफुल होना है संडे नाइट को, ठीक है, जब व्हाइट लोग जो है, गोरे लोग जो है, जब ये ड्रिंक किए हुए होंगे तब ये लोग क्या करेंगे, जितने भी स्लेव्स हैं ये सब वहां से भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनका ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाता। जो नरेटर होती है वो उनके साथ चली जाती है, जो कुछ स्लेव्स भागते हैं उनके साथ नरेटर भी चली जाती है, लेकिन ओरोनोको नहीं जा पाता, उसको वहीं पर रहना पड़ता है। गोरे लोग जो होते हैं, व्हाइटिश लोग जो होते हैं, वो उनके प्लान को अनसक्सेसफुल कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के बाद घूम फिर के वहीं आ जाती है ओरोनोको, जहां था वहीं रह गया, कहां, उस स्लेवरी में। अब उनका डिप्यूटी गवर्नर बायम ओरोनोको से बातचीत करता है। अब उन लोगों ने भागने का प्लान बनाया, जाहिर सी बात है सबको पता चल गया, अब इस बारे में पूछताछ होगी। तो बायम जो है ओरोनोको से कहता है कि तुम पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर दो और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के साथ फ्री कर दूंगा, वापस अफ्रीका भेज दूंगा, ठीक है। ये थोड़ा सा सरप्राइज करने वाला है, लेकिन बायम यहाँ पे ओरोनोको से झूठ बोल रहा है, लेकिन ओरोनोको को मालूम नहीं होता, वो उसकी बात मान लेता और वो सरेंडर कर देता। लेकिन हताश ओरोनोको को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ये बायम मुझे कभी फ्री नहीं करेगा और मेरा बच्चा भी इस स्लेवरी में ही पैदा होगा। अब ओरोनोको आगे क्या करता है, वो अपनी वाइफ इमोइंडा को इस बारे में बताता है और वो उसके साथ बहुत और ऑनरेबली बात करता है। उसको कहता है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें मार दूंगा,
ठीक है, और उसके बाद वो बायम से बदला लेगा और उसके बाद वो खुद को भी मार देगा। इमोइंदा अपने हस्बैंड को थैंक्स बोलती है और अलाउ करती है कि वो उसको मार दे। तब जो है ओरोनो को वो क्या करता है, वो उसका गला काट देता है चाकू से और इमोइंडा की वहीं पर डेथ हो जाती है। ये मजबूरी थी, ओरोनोको को ऐसा करना पड़ा। ओरोनोको 8 दिन तक अपनी पत्नी की लाश के पास बैठा हुआ रोता रहता है। उसके अंदर एक सेकंड के लिए सारी हिम्मत ही खत्म हो जाती है, लेकिन वो फिर भी उठता है बायम से अपना बदला लेने के लिए। लेकिन उसका ये बदला पूरा नहीं हो पाता। बायम उसको ले जाकर के एक जगह पर बांध देता है और उसके शरीर के जो हिस्से होते हैं लाइक नोज, ईयर्स, वन लेग, हैंड, इस तरह की चीजें जो है वो उसकी काट देता है। लेकिन इससे पहले एक चीज होती है, ओरोनोको जो है पाइप मांगता है स्मोक करने के लिए बायम से, और उसके बाद उसको टांगा जाता है और उसके बाद उसके शरीर के इन हिस्सों को काट दिया जाता है। और इसी के साथ उसकी जो शरीर होता है वो मर जाता है। ऐसे टंगा टंगा ही उसके शरीर को ऐसे काट दिया जाता है, वो नीचे गिर जाता है उसका मरा हुआ शरीर, और इसी तरह से ओरोनोको का अंत हो जाता है। तो ये थी ओरोनोको की समरी जिसको लिखा है एफ्राबेन ने। आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो एंड गेट ऑल डिटेल्स प्रॉपरली।